फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मेरा हुलिया देखकर आपको पता ही चल गया और थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं आज की वीडियो में रक्षाबंधन मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जो मैं खुद जितना करूँगी उस दिन वही करूँगी, फालतू नहीं करूँगी। एंड वैसे भी हो ही जाता है सारा कुछ, मेकअप में स्टेप ऐसे होते हैं कि आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने बालों को पीछे करेंगे। जो भी आपका CTM रूटीन है उसको जरूर फॉलो करना। तो मेरा राइस का ब्राइटनिंग टोनर है ये, गुड वाइब्स का। एंड इसको सबसे पहले अपने फेस पे, टोनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा मैं अपना मॉइस्चराइजर ले लूँ। सेटाफिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेडिकेटेड है जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा इसीलिए पसंद है। आज सब गिर रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। बहुत जो चिपचिपा वाला वेदर चल रहा है अभी ना, उसमें ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके बाद जब तक ये फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है मैं अपना सनस्क्रीन लूँगी, जो कि आपको पता है इस समय मेरा करंट फेवरेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, नॉन स्टिकी है, अभी इस वेदर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। एंड अब मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। बड़ी अच्छी सी सनस्क्रीन है ये, क्योंकि आप देखोगे तो जैसे थोड़ा सा फॉरहेड वगैरह ग्लो करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। एंड इसको थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि अब ये मेरा CTM रूटीन था जो मैंने फॉलो किया, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दो। एंड इसके बाद मुझे लेना है प्राइमर, जो कि मेरा स्विस ब्यूटी का है, पोर जीरो करके है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसको सेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर गिरेगा, इसे अच्छा इधर रख दो। ये मैंने अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे नीड होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा आईज पे भी, क्योंकि आईज पे भी तो आप मेकअप करते हो, तो मैं एक्स्ट्रा आईज का प्राइमर नहीं लेती, जो मेरे पास होता है फुल फेस के लिए मैं वही अप्लाई करती हूँ। एंड इसके बाद आती है बारी, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था इसका, सुगर का एल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको मैं मेकअप के स्टेप में ही फॉलो करती हूँ। तो प्राइमर के बाद सबसे पहले मैं इसको फॉलो करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपका स्टिक वाला फाउंडेशन नहीं है तो आप उसमें डाल सकते हो, बट मेरा स्टिक वाला है इसलिए मैंने ऐसे किया। और ये थोड़ा सा एज अ मॉइस्चराइजर, जहाँ हाइलाइटेड एरिया होना चाहिए वहाँ सब, देखो आप देख सकते हो कितना ग्लॉसी हो जाती है स्किन ये देखो। और ये इतने स्टेप जो है ये थे आपके मेकअप की प्रिपरेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मेकअप, मेन मेकअप जो होता है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया सबसे पहले फाउंडेशन, सुगर का स्टिक फाउंडेशन, ये मैं लगाती भी हूँ बहुत ज्यादा, आपने देखा ही होगा, नेल्स पे लग गया, मेरे नेल्स ना टूट गए, एक टूट गया था तो मैंने सारे ही तोड़ दिए, कट कर दिए, सॉरी। फाउंडेशन के बाद लूंगी मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर, उसको थोड़ा वेट करना होगा मुझे, वेट कर लिया इसको, टोनर गिर गया था उसको लाने गई थी मैं टोनर से। मैंने मिरर रखा है बट आप लोग को देखते देखते मैं मिरर की तरफ देख ही नहीं पाती। जो थोड़ा वाइट सा लग रहा है, मैंने पहले ही बताया था मेरा सुगर का ये फाउंडेशन एक शेड लाइट है। एंड इसके बाद जब इसको कॉम्पैक्ट वगैरह से भी सेट करेंगे, भी फाउंडेशन भी अच्छे से सेट नहीं किया, तो जब अच्छे से सेट कर लेंगे तो जो आपको एक लाइट सा शेड दिख रहा है वो मेरी स्किन का टोन अपने आप आ जाएगा। That's it.
एंड इसके बाद बारी आती है कंसीलर की, तो जो लॉरियल का मैंने अपने स्किन टोन से बिल्कुल मैचिंग लिया था मैं वही अप्लाई करूंगी। बालों में लगी गया मेरे हेयर्स, मैंने ना कट करवाया था हेयर्स और वो मैंने थोड़ा सा लेयरिंग में शॉर्ट करवा लिया। अब होता क्या है, वो शॉर्ट वाले हेयर्स ना बार बार चले आते हैं। वैसे मैं इस कंसीलर को एज अ हाईलाइट की तरह नहीं यूज कर रही हूँ, रीजन कि मैंने स्किन टोन से जस्ट मैचिंग लिया था बिल्कुल। उसका रीजन ये जो डार्क सर्कल्स या फिर जहां भी डार्क एरिया है उन पे कभी मुझे मेकअप नहीं पूरा करना होता ना, मैंने पहले भी बताया मैं पूरा मेकअप हमेशा नहीं करती हूँ, ओकेजनली तभी किया तो किया नहीं तो नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसी को एज अ फाउंडेशन की तरह थोड़ा सा लगा लेती हूँ एंड इसके बाद जो है मैं एक लाइट शेड का कोई भी अपना कंसीलर लगा लेती हूँ, तो मुझे जैसा लगता है कि वो फाउंडेशन की तरह अप्लाई हो गया और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगता उससे। इसलिए एक काम तो मुझे बीच में रुक के करना होगा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था। एंड इसके बाद मैंने वेला वोस्टे का, मेरे पास एक कंसीलर है आप लोगों ने सारी वीडियोस में देखे ही होंगे, बहुत ज़्यादा उल्टा है यार शायद, हाँ तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया पे लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बट मुझे इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कंसीलर, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा ठीक है बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आईज के नीचे क्या है ना, थोड़ा सा एरिया बहुत सेंसिटिव टाइप का होता है, तो बहुत आराम से ना, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं। अब इसके बाद बारी आती है मेकअप को सेट करने की, तो उसके लिए सबसे अच्छा पाउडर मेरे पास जो है वो लॉरियल का है एंड मैं अपना पाउडर ब्रश लूंगी इसमें से एक्सेस ऐसे रिमूव करते हुए। बिना पाउडर के मेकअप कभी भी सेट नहीं होता है, ये जरूर याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तो पर्सनली बताऊं क्या करती हूँ, कहीं जाना है वैसे तो अगर फाउंडेशन नहीं लगाया, सीटीएम रूटीन जो भी आपका मॉइस्चराइजर वगैरह मैंने फॉलो किया, उसके बाद मैं सिर्फ कंसीलर लेती हूँ और मेरा ये पाउडर। और अगर बाय चांस मुझे इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स वगैरह डालना होता है तो मैं उसमें भी यही करती हूँ। दैट्स इट, माय मेकअप का जो बेस था मेरा एकदम अच्छा सा वो सेट हो गया है। अब मैं लूंगी हाइलाइटेड एरिया पे और आईज के नीचे लगाने के लिए सुगर का लूज पाउडर, ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, आपको पता है मैं और कोई पाउडर लगा ही नहीं पाती। मैंने क्या बोला था, मैंने हेयर कट करा लिया पर चलो ये हो गया। अब सबसे पहले मैं करूंगी अपना आईब्रो फिल, इतना सब लगाने के बाद आईब्रो फिल करूंगी सबसे पहले। मैंने बिल्कुल जो शेप थी नेचुरल उसी शेप में अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है, मैंने बिल्कुल भी मोटा पतला नहीं किया है, बस थोड़ा सा आईब्रो भी कर। एक चीज दिखाऊं, मैंने दिखाया था मेरे नायका का ये आई शेडो पैलेट टूट गया है, बट मैं ऑनलाइन लेना नहीं जा रही हूँ एक तरीके से और जा नहीं पा रही हूँ, बस समझ लो कुछ ऐसा ही टूटा हुआ है, बट ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आपको पता है और ये फेवरेट ब्रश इसके साथ। सबसे पहले इसमें जो न्यूड शेड है ना उसको लूँगी और एकदम से उसको हटा के थोड़ा सा आईज में अपर की तरफ, देखो न्यूड क्या होता है आप लोग को लगता है कुछ नहीं लगाते बट देखो इसमें और इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा न्यूड से।
आज वैसे मैंने सोचा है, देखती हूँ, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ काजल लगाऊँ, क्योंकि मैंने ना, आप देखे होंगे मैं कभी जल्दी से काजल लगाती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा, बट बहुत कर रहा है। एंड इसके बाद थोड़ा सा ऑरेंजी शेप शेड लेंगे, जो कि थोड़ा सा साइड डार्क लग रहा है, आईलेट का जो एरिया है उस पर इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, एकदम लाइट सा आए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। एकदम सिंपल सा। एंड इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा, ये डार्क है, ज्यादा नहीं, हल्का डार्क है, लिड की ही तरफ हमें लगाना है, क्योंकि मुझे जो लिड एरिया होता है उसी को हाईलाइट करना होता है। और हो गया लिड की तरफ। एंड उसके बाद उससे थोड़ा सा और डार्क वाला, जो ये मेन एरिया होता है ना, इस पे हमें वो थोड़ा सा डार्क लगाना है, क्योंकि मैं बिना ग्लिटर आई शेडो के बहुत कम रह पाती हूँ, और मुझे ग्लिटर बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ आई शेडो। जितना लिपस्टिक न्यूड होती जा रही है ना, उतना ही ग्लिटर वगैरह। And that's it. अब इस पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, ब्रश के लिए। एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा ग्लिटर जो है, गोल्डन ग्लिटर जो है, वो अपनी आईज पे, यहाँ पता नहीं मुझे पसंद ही, मैं सिल्वर भी मैंने मंगाया, बट मुझे ये गोल्डन वाला है जो नायका के पैलेट में है ना, मुझे बहुत पसंद है। और अब आप सोचोगे डे मेकअप है, अब पता नहीं इसमें कैसा लग रहा है, वैसे बहुत लाइट है, ज़्यादा नहीं है। आई थिंक हो गया, और देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसके बाद मुझे सबसे पहले पाउडर ब्रश लेकर अपना ये पाउडर हटाना है। अब आईज का जो नीचे का पाउडर है वो बहुत आराम से, नहीं तो पूरा मेकअप भी खराब कर सकता है आईज का। That's it. कहाँ भी असली युद्ध तो बाकी है। अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी मस्कारा। देखो भाई लाइनर तो डन हो गया, बट लाइनर ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और पता नहीं मेरी आईज थोड़ी स्वेलिंग सी है आईज में, क्यों मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लाइनर एक में मोटा एक में पतला, बट ऐसा है नहीं, रियलिटी जो मिरर में दिख रही दोनों बराबर है। तो लाइनर के बाद हम सबसे पहले आते हैं अपने कॉन्टोर पे। कॉन्टोर के लिए मेरे पास अभी प्रेजेंट में बताऊँ तो सकता हूँ दो है, बट मैं यही यूज कर रही हूँ। यार मुझे यहाँ पे ना स्पॉट सा दिखता है, बट मैं जब कभी, जैसे मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, मैंने उनसे बोला तो वहां पे ऐसे जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, तो मिरर में लगता ही नहीं कि मेरे यहाँ पे कोई दाग है, मतलब कोई स्पॉट है। डॉक्टर से बोला तो उन्होंने कहा तुम्हें शक है, बाकी है नहीं। तो पता नहीं मुझे लगता है ऐसा, आप बताना क्या है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना चेहरा, जैसा है वो तो आप कितना पतला कर लो दिखेगा ही दिखेगा। और आज एक प्रॉब्लम ये हो गई है, मैंने लाइनर लगाया तो इसमें थोड़ा सा अंदर आ गया है, आपको शायद दिख भी रहा हो ब्लैक ब्लैक, और वो ब्लैक दिखता है बट लगता कितना आईज में मुझे पता है। जॉ लाइन थोड़ा सा मैं नीचे से करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ये वाला फेयर थोड़ा सा भी विजिबल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं मोटू मोटू सी हो गई हूँ, गुल्लू मुल्लू सी। सोचते बहुत यार पतली हो जाए, पर तो हो नहीं पाती। जब तक ये सब करेंगे तब तक मेरा जो लाइनर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, मतलब मेकअप कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। That's it. ब्रश को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने पूरी नाक मोटी कर ली। That's it. ये हो गई मेरी नोज बिल्कुल फिट। एंड थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे, मुझे ईयरबड चाहिए होगा, बट ईयरबड नहीं है, इससे मैं एक ब्रश लूंगी। हाँ है, मुझे ना काफी ज्यादा
इरिटेट कर रहा, मतलब चुभ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। एंड इसके बाद जब ये हो गया, कॉन्टोर हो गया, तो अब मैं लूंगी ब्लश। ब्लश है मेरा NYB का है एंड मैंने एक ब्लश ब्रश ले लिया है। ज्यादा नहीं, डे टाइम है तो बहुत ज्यादा पिंकिश पिंकिश अच्छा नहीं लगेगा, लाइट सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। एंड ब्लश इज कंप्लीट। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मेरा सुगर का है, जो भी फेवरेट चल रहा है मेरा। एंड हाइलाइटर लूंगी मैं एक ब्रश में। मुझे समझ नहीं आता ब्रश ये ठीक रहता है या नॉर्मल। एंड अब मेरा ये हाइलाइटर हो चुका है। हाइलाइटर जब पूरा लग जाए तब फिर देखेंगे। और हाइलाइटर को एक फिंगर से अपनी आईब्रोज के नीचे जहां आपको लगाना होता है, हाईलाइट करना होता है, जहां पे आईब्रो नीचे से स्टार्ट होती है या फिनिश होती है, आप जो भी बोलते हो, वहां पे हाइलाइटर जरूर लगा लिया करो। एंड हाइलाइटर लग जाने के बाद मुझे ब्यूटी ब्लेंडर मेरा जो ये कॉम्पैक्ट वो लूज पाउडर था ना, इससे थोड़ा सा मेरा जो वो एरिया है ना, शायद थोड़ी पतली दिखी जाऊं। मैं जब ऐसे ऊपर देती तो मुझे लगता है मेरे लाइनर ने कमाल कर दिया होगा। अब इसके लिए मैं छोटा सा ज्यादा वैसा ब्रश नहीं लूंगी, ब्रश को इसलिए ऐसा लिया क्योंकि ये जो मेरे आईज के नीचे वाला था ये आईज का मेकअप ना खराब कर दे, इसलिए ऐसा ब्रश मैंने लिया। That's it. और जो नॉर्मल पाउडर ब्रश था उससे मुझे काम है, मैंने अभी आईब्रो अपर लिप्स नहीं कराई तो थोड़ा सा टाइमिंग हो गई, 11 बज गए। एंड दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है, हाइलाइटर भी लग गया, सब कुछ हो गया, अब इसके बाद बारी आती है काजल की। आज मेरा मन है काजल लगाने का। ये किसका है काजल पता नहीं, मेरे पर अच्छा लग, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर काजल नहीं अच्छा लगता, बट आज फिर भी मैं ये रिस्क लूंगी। मत डार्क नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे पर काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये फील आता है। मैंने नहीं लगाया कभी काजल, मैंने रखा है पहले कभी कभार लगाती थी, बट पता नहीं मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है, 5 to 6 years हो गए मैंने काजल लगाया ही नहीं है। एंड इसके नीचे थोड़ा सा व्हाइट काजल मैं मिक्स करूंगी ताकि आंखें मेरी बड़ी लगे। पता नहीं यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे लगाने के बाद लग रहा है मुझे काजल नहीं लगाना था। एंड काजल लगाते लगाते एक मिस्टेक मेरे से हो गई, काजल मेरा थोड़ा सा फैल गया है व्हाइट की वजह से, मैंने व्हाइट भी लगाने लगी, मैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है काजल, बट ठीक है लगा लिया। अब लगाऊंगी मस्कारा जो मेरा सुगर का है। यार मैंने शायद लाइनर लगाते टाइम मस्कारा बोल दिया था, सॉरी यार ध्यान नहीं दिया। घुस गई मैं मिरर में पूरा, क्योंकि मैंने आज कलाकारी कर दी है, शायद नहीं करना था मुझे। आपको पता है अगर एक काम गड़बड़ हो जाए ना तो बहुत से काम गड़बड़ होते हैं, और शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, मेरा मस्कारा ना थोड़ा सा यहाँ लग गया है शेडो के ऊपर, जब मैंने पुश किया ना तो मेरा जब तक ब्रश नहीं मिलेगा मैं कैसे करूंगी। अब इसमें जो मेरा एक ग्लिटर था ना इसको थोड़ा सा करके कोशिश कर लिया हाइड हो जाए, बाकी मुझे नहीं पता। एंड सब हो गया, अब एक बार अब बारी आती है
पहले मैं मेकअप फिक्स लगाऊंगी, फिर लिपस्टिक लगाऊंगी जो कि मेरे पास फेसेस कैनेडा का है। अब मैं सब कर चुकी हूँ, लिपस्टिक लगाऊंगी, लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क लगाऊंगी रेड कलर की, लिपस्टिक लगा के पूरा रेडी हो गया आपके पास आती हूँ फटाफट। देखो भाई मैंने पहनी सिंपल सी अपनी शादी की साड़ी, मुझे शादी में मैंने ये साड़ी ली थी पहनने के लिए घर पे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अमित को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कुछ ना इस बार थोड़ा सा ऐसा लुक क्रिएट करती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए सूट में। तो सूट तो वैसे मैं जहाँ तक मैं सूट ही पहनूंगी उस दिन, बट मैंने ये लुक क्रिएट किया है साड़ी में, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और साड़ी का ये ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज ऐसा ही था बट मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये पिंक इस पे चल रहा था, पिंक की ये बैंगल्स डाल ली और एक ये इयरिंग डाली है। इयरिंग बहुत ज्यादा पुरानी है, ये आशिकी 2 मूवी की है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। साइड में मेरा पूरा लुक आएगा, आप देख लेना पूरा साड़ी दिखेगी इसमें, तो ये मेरा पूरा लुक है, रक्षाबंधन का लुक है। कैसा लगा आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रक्षाबंधन मनाइए, अच्छे से मनाइए, भाई बहन भाभी सबके साथ मनाइए। और एक चेंज मैंने और किया, मैंने बड़ी बिंदी लगाई, मैं जल्दी से बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ बट अभी मैंने बड़ी बिंदी लगा रखी है, बीच में पार्टीशन कर रखा है, मुझे जितना बाल खोल के कंफर्टेबल फील होता है उतना और किसी चीज में नहीं फील होता है बालों को कोई स्टाइल करके। एंड हेयर एक्सटेंशन मैंने लगा रखा है क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं आपको पता है, तो ये बस ये मेरा फाइनल लुक है। तो चलिए कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।